बच्चों मैं आपकी टीचर अनीता सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट उसके पहले बिफोर दैट हम लोग थोड़ा कुछ समझ के लेंगे क्या है ये ड्राइंग सिमेट्रिकल फिगर ऑन ग्राफ पेपर ऑब्जर्व द फिगर ऑन द ग्राफ पेपर द लाइन सेगमेंट ए बी देखो यहां पर ए बी दिया गया है इज ड्रॉन ऑन द लेफ्ट ऑफ द लाइन लाइन के लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में ये दिया गया है ए बी द पॉइंट ए एंड बी आर एस फार ऑन द राइट ये देखो राइट right साइड में ए एंड बी है ऑफ द एल एस ए एंड बी आर ऑन इट्स लेफ्ट द पॉइंट पॉइंट ए ए बी बी आर द द इमेजेस ऑफ फिगर सेगमेंट ए बी इज द इमेज ऑफ द सेगमेंट ए बी वेरीफाईड बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट ए बी देखो दोनों यहां पर ए बी है ध्यान से देखोगे आप दोनों यहाँ पर ए बी है देखो यहाँ पर ठीक है ए बी और ए बी और ये इसके साइज में ये इसका सिमेट्रिकल है मतलब ये इस, जो एक्सिस है एल लाइन बना है इसके दोनों साइड में ये है आप इसको बनाना कैसे समझो ये आपको दिया गया है और ये साइड नहीं दिया गया तो इसके इजी वे क्या आप यहाँ पर काउंट करो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन यहाँ पर गया ठीक है अब नीचे यहां पर जो सेकेंड डॉट है बी वाला यहां पर काउंट करो फाइव टेन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन तो आप यहाँ पर भी नाइन पे एक डॉट बना लो और एटीन पे एक डॉट बना लो और दोनों को डॉटेड लाइन से ऐड कर दो ठीक है समझ में आपके अभी नेक्स्ट फिगर आप देखो बच्चों यहां पर भी यहाँ पर दिया गया है और इस साइड में एक ट्रायंगल बना हुआ है यहां पर भी एक सेम ट्रायंगल बना है अगर इसको आपको ड्रॉ करना है एक साइड दिया है दूसरी साइड नहीं दिया है तो आप क्या करोगे सेम आप बॉक्सेस काउंट करो ट्रेंगल का क्यू पॉइंट कहाँ पर है वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर है तो आप यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर क्यू आप इसका जो पॉइंट है वो ड्रॉ करो इसके बाद में यहाँ पर इसी तरीके से ओ पी कितने 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 बॉक्सेस के बाद में आर कितने बॉक्सेस के बाद में करके यहाँ पर पॉइंट आप डाल दो यहां पर एंगल्स जो है वो पॉइंट बना दो पॉइंट बना दोगे आप तो यहाँ पर उसको ऐड कर दोगे दोनों सब को ऐसे ऐसे आप सब पॉइंट्स को ऐड कर दोगे तो आपका सेम ट्रेंगल जो यहाँ पर लेफ्ट में वैसे राइट में बन जाएगा यहां पर भी देखो यहां से स्टार्ट किया है ऐसे यहाँ पर तो आप यहाँ पर देखो यहां से स्टार्ट किया तो उसमें काउंट करने की जरूरत नहीं है फिर एक बार काउंट करके रफली आप एक डॉटेड लाइन यहां पर बना लो रफली ऐसे काउंट करते जाओ यहाँ पर बॉक्सेस काउंट करो और यहां पर ड्रॉ कर दो सेम फिगर आपका बनेगा ठीक है अब हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं देखो अलॉन्ग इच फिगर शोन बिलो अ लाइन एल हैज बीन ड्रॉन कंप्लीट द सिमेट्रिकल फिगर बाय ड्रॉइंग अ फिगर ऑन द अदर साइड लाइन एल बिकम्स द लाइन ऑफ द सिमिट्री अभी हमको जो लाइन एल दिया गया है ये लाइन ऑफ सिमिट्री बनाना है हमको एक्सिस बनाना है मतलब दोनों साइड में सेम फिगर होने चाहिए तो अब यहां पर देखो एल के ये साइड में हमको फिगर ऊपर दिया गया है नीचे बनाना है तो आप यहां से काउंट करो वन टू थ्री मैंने देखो यहाँ पर काउंट किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवेंथ वाले बॉक्स पे लाइन ड्रॉ किया है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेंथ लाइन पे बॉक्स बॉक्स पे लाइन ड्रॉ करेंगे अभी यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व ट्वेल्व वाले पे ऐसे यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है तो ऐसे यहाँ पर भी आपको करके सेम ट्वेल्व बॉक्सेस काउंट करके ऐसे लाइन ड्रॉ करना है हर एक आप यहाँ पर यहाँ पर अगर आपको ड्रॉ करना है तो यहाँ से आप काउंट करो ठीक है यहाँ से ऐसे काउंट करो टेन यहाँ पर भी टेन बॉक्स ऐसे करके यहाँ पर आपको करना है सेम ऐसे ही यहाँ पर भी करना है सेकेंड वाले फिगर में भी अभी यहाँ पर जहाँ पर स्टार्ट हुआ है जहां पे स्टार्ट हुआ यहाँ पे यहाँ पे कुछ भी मतलब पॉइंट है यहाँ पर यहाँ पर कुछ आपको बॉक्सेस नहीं करना यहां से आपने स्टार्ट किया तो पहले यहां पर करो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स वाले तक गए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है यहाँ तो पहले आप पॉइंट बना लो फिर फिर पॉइंट से पॉइंट ऐड कर दो अभी यहां पर देखो वन टू थ्री फोर्थ वन टू थ्री फोर्थ वाले पे पॉइंट बना के फिर यहाँ पर काउंट करो फिर से ऐसे आप काउंट करते जाओगे काउंट करके और जो आप बनाए हो वहां पर यहाँ पर आपने दिया है पॉइंट वो पॉइंट से पॉइंट ऐड करके लाइन ड्रॉ कर दो सेम फिगर आपका यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर भी ऐसे ही है आप पहले क्या करो लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पर दूसरे साइड में भी सेम ऐसे ही उतना ही आप ये देखो जैसे मैंने इसको ए, स्केल से इसको मेजरमेंट किया टू सेंटीमीटर का है तो सेम टू सेंटीमीटर का गैप ऐसे ही छोड़ के फिर इसके बाद में इसके एंगल के इधर से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया मतलब एक पॉइंट यहां पर आएगा आप यहां पर काउंट कर लो वैसे अब यहां पर देखो यहां पर एक पॉइंट आया अब इसके बाद में तीनों को ऐसे ऐड कर दो कि सेम ट्राइंगल दोनों साइड में हो जाएगा तो आपका ये प्रैक्टिस से ट्वेंटी वन भी हो गया आप इसको अपने ग्राफ बुक में लास्ट में पेज में आप खुद ड्रॉ करो और ये आपकी एक्टिविटी है आपको समझ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है ठीक है